जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल भारत रेलोग्राफी में। दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने ट्रेन नंबर 11201 नागपुर शहडोल एक्सप्रेस में नागपुर से सिवनी तक की मेरी लास्ट जर्नी वीडियो देखी थी। और इसी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों हम लोग इस जर्नी का दूसरा और आखिरी भाग मतलब कि सिवनी से जबलपुर तक के अपनी ये जर्नी वीडियो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों करीब 25 मिनट के डिले के साथ हमारी ट्रेन फाइनली सिवनी पहुंच चुकी है। और ये है दोस्तों सिवनी स्टेशन की न्यू बिल्डिंग। दोस्तों 2 मिनट भी ट्रेन नहीं रुकी सिवनी में और यहाँ से हमारा डिपार्चर हो चुका है सिवनी से। और लास्ट टाइम आया था दोस्तों तो एक भी यहाँ पे स्टॉल नहीं थे खाने पीने के। और अभी मैं दोस्तों करीब 1-1.5 साल बाद शायद आया हूँ तो एक टी स्टॉल दिखा है मुझे। बाकी दोस्तों सिवनी स्टेशन भी अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर इस स्टेशन का भी रेनोवेशन का काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और ये काम दोस्तों एस्केलेटर और लिफ्ट्स का मेरे ख्याल से चल रहा है। तो आने वाले कुछ समय के बाद जो सिवनी स्टेशन है वहाँ पे आपको काफ़ी बेहतर सुविधाएँ रेल सुविधाएँ मिलने वाली हैं। और ये शेड का एरिया भी बढ़ाया जा रहा है दोस्तों। जाहिर सी बात है बड़ा स्टेशन है तो शेड तो इन्हें लंबा करना ही पड़ेगा। बाकी हमारी ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है सिवनी स्टेशन से। और इस सेक्शन में दोस्तों ये स्टेशन मतलब सिवनी स्टेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेशन है। और दोस्तों जो मेरे ख्याल से जो बस्तियां हैं वो इस तरफ हैं और काफ़ी खूबसूरत सा कर्व है ये दोस्तों। पिछले बार भी आए थे तो मैंने इसे कवर किया था, इस कर्व को काफ़ी खूबसूरत लगता है। जस्ट जैसे ही हम लोग सिवनी स्टेशन से डिपार्चर लेते वैसे ही मिल जाता है और काफ़ी लंबा कर्व है। और दोस्तों जो सिवनी का गुड शेड है वो जो मेन स्टेशन है उसके थोड़ा आगे बना है जो कि अभी थोड़ी देर में हमें मिलने वाला है। और ये ट्रक मेरे ख्याल से कोई गुड्स ट्रेन शायद लोड या अनलोड हुई है इसलिए इतने सारे ट्रक्स हमें दिख रहे हैं। और ये सिवनी का दोस्तों गुड शेड है तो इसी के कारण दोस्तों काफ़ी लंबा यार्ड हो जाता है सिवनी का। और अब हमारी ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू कर रही है।
भोमा। तो हमारी ट्रेन स्लो हो चुकी है और ऐसा लग रहा है शहडोल नागपुर एक्सप्रेस की क्रॉसिंग अलारी में ही हो जाएगी। नहीं, धीरे धीरे क्रॉल करते हुए दोस्तों स्टेशन स्किप हो चुका है हमारा ही पराली और अब लग रहा है दोस्तों केवलारी में ही हमारी क्रॉसिंग होने वाली है और स्टेशन में दोस्तों ट्रेन का स्टॉपेज भी है। तो जो केवलारी शहर है वो आ चुका है और जो हमारा केवलारी स्टेशन है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत छोटा सा दोस्तों ये शहर है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। स्टेशन में दोस्तों काफ़ी भीड़ है। बाकी दोस्तों इस ट्रेन का दूसरा भाई मतलब शहडोल नागपुर एक्सप्रेस उसकी क्रॉसिंग दोस्तों इसी स्टेशन में होने वाली है केवलारी में। इसमें भी जी नहीं लगा और यहाँ पे दोस्तों हमारी क्रॉसिंग हो रही है शहडोल नागपुर एक्सप्रेस से। Departing from Kevlari.
पे दोस्तों हमारी जो जबलपुर वाली लाइन है उसे हम ज्वाइन कर रहे हैं। और दोस्तों नैनपुर स्टेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है और यहाँ पे दोस्तों हमारा एक और लोको रिवर्सल होगा और लोको रिवर्सल होने के बाद दोस्तों हम लोग इसी लाइन पे शिफ्ट होने वाले हैं, मतलब जबलपुर वाली लाइन पे। तो फाइनली दोस्तों हम लोग नैनपुर जंक्शन में अराइवल ले चुके हैं 1:45 पे। और दोस्तों हमारी ट्रेन ने अराइवल लिया है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। और अच्छी बात ये दोस्तों कि प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 में भी कैंटीन चालू कर दी गई है। ये दोस्तों मंडला फोर्ट नैनपुर पैसेंजर है और शाम को यही ट्रेन दोस्तों छिंदवाड़ा की तरफ जाएगी, मंडला फोर्ट नैनपुर पैसेंजर। और दोस्तों ये ट्रेन पूरी खाली है। और यहाँ पे हमारे ग्रीन गॉब्लिन एक और लोको रिवर्सल की तैयारी कर रहे हैं। हम रेल फैंस ने दोस्तों इस लोकोमोटिव का नाम ग्रीन गॉब्लिन रखा है। ग्रीन गॉब्लिन दोस्तों स्पाइडरमैन 1 का एक विलेन कैरेक्टर रहा जो कि बहुत पावरफुल रहा और वो ग्रीन कलर का था। तो ये लोकोमोटिव भी बहुत पावरफुल है और दोस्तों और दूसरी बात ये भी ग्रीन कलर का है। तो हम रेल फैंस ने इसका नाम दोस्तों ग्रीन गॉब्लिन रखा है क्योंकि काफ़ी पावरफुल लोकोमोटिव है दोस्तों। ये लोको रिवर्सल हो रहा है। तो दूसरे लोको रिवर्सल के बाद हमारी ट्रेन फाइनली डिपार्ट हो चुकी है नैनपुर जंक्शन से और अभी टाइम हो रहा है 2:25। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया दोस्तों छिंदवाड़ा और नैनपुर में लोको रिवर्सल में। मेरे ख्याल से 1 घंटा तो लग गया होगा दोनों स्टेशन में मिला के, आधा आधा घंटा आप रख लीजिए। बाकी दोस्तों अगर मैं जबलपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो हम लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि ये लाइन बनने के बाद जबलपुर से नागपुर दोस्तों 5.5-6 घंटे में आराम से इंसान पहुंच जाएगा बाय ट्रेन। लेकिन ये लाइन बनने के बाद दोस्तों ऐसा कुछ ट्रैवल टाइम में ऐसा कुछ खास चेंज नहीं आया है। जबलपुर से नागपुर वाया नैनपुर बालाघाट गोंदिया दोस्तों 362 किलोमीटर्स है। इस रूट में दोस्तों रीवा इतवारी रीवा एक्सप्रेस चलती है हफ्ते में 3 दिन। और दोस्तों उस ट्रेन को जबलपुर से गोंदिया के बीच 7.5 घंटे का ट्रैवल टाइम दिया है जबकि वो ट्रेन बड़े आसानी से 4-4.5 घंटे में वो दूरी पूरी कर सकती है। और दोस्तों वो ट्रेन को जबलपुर से इतवारी के बीच करीब 9:50 लगते हैं जबकि वो ट्रेन दोस्तों 6.5-7 घंटे में वो दूरी आराम से तय कर सकती है। अब पता नहीं दोस्तों उस ट्रेन की ट्रैवल टाइम कब कम करेगी रेलवे। और दोस्तों ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन दोस्तों अभी हम इसी लाइन से आए हैं छिंदवाड़ा से, छिंदवाड़ा वाया सुनी होते हुए। और अब हम लोग दोस्तों स्विच कर रहे हैं जबलपुर वाली। नैनपुर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से चारों दिशाओं की तरफ लाइन चले जाती है। एक लाइन दोस्तों जिससे आएँ छिंदवाड़ा की तरफ, एक दोस्तों जिस लाइन में जा रहे हैं हम लोग मतलब जबलपुर वाली लाइन, एक लाइन दोस्तों चली जाती है मंडला फोर्ट के लिए और दोस्तों एक लाइन दोस्तों बालाघाट होते हुए गोंदिया की तरफ निकल जाती है। तो इसलिए दोस्तों नैनपुर को इतना बड़ा जंक्शन स्टेशन माना जाता है।
ये वो है जबलपुर गोंदिया पैसेंजर इतने लेट। तो दोस्तों पिंडरई में हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग हुई है जबलपुर नैनपुर पैसेंजर से। मुझे थोड़ा सा एक्चुअल में कंफ्यूजन हो गया था कि जबलपुर गोंदिया पैसेंजर है कि जबलपुर नैनपुर पैसेंजर है। जबलपुर नैनपुर सेक्शन को काफ़ी बार कवर किया है। अगर आपको डिटेल में जर्नी देखनी है तो मैं आपको कुछ वीडियोस में दे दूँगा। आप उन वीडियोस को अगर आपको ये सेक्शन की डिटेल जर्नी वीडियो देखनी है तो आप वो वीडियोस ज़रूर चेकआउट करें। शुरू हो जाएगी और दोस्तों यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो चुकी है। सामने ही दोस्तों बिने की थर्मल पावर प्लांट भी आ गया है। और दोस्तों यहाँ पे जो नागपुर जबलपुर 4 लेन रोड है वो भी हमारे पैरेलल चल रहा है। Thank you.
नर्मदा रिवर। और यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग जो इटारसी जबलपुर वाली लाइन है उसे ज्वाइन कर रहे हैं। और दोस्तों हमारी ट्रेन मदन महल स्टेशन पहुंचने वाली है। वैसे इस ट्रेन का मदन महल स्टेशन में स्टॉपेज नहीं है, बट अगर ट्रेन का अनशेड्यूल हॉल्ट होता है दोस्तों तो मैं इसी स्टेशन में टी बोर्ड हो जाऊंगा, क्योंकि यहां से दोस्तों मेरा घर थोड़ा सा पास पड़ जाता है। बाकी देखते हैं कि ट्रेन यहाँ पर रुकती है कि नहीं रुकती है। तो दोस्तों ट्रेन का अनशेड्यूल हॉल्ट हो गया है और मैं डिबोर्ड हो चुका हूँ उस ट्रेन से। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर एक पे बहुत ज़्यादा पब्लिक है, पता नहीं कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन आ रही इतनी ज़्यादा भीड़। और इसमें भी G9 लगा है। क्या बात है, आज G9 बड़े देखने को मिल रहे हैं। ये ट्रेन कौन सी है, डबल ट्विन WAG9 लगे इसमें, एक का पेंटो नीचे है। अच्छा ये दोस्तों आधारताल हबीबगंज रानी कमलावती इंटरसिटी एक्सप्रेस है, इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ दिख रही है। बाकी दोस्तों जो हमारी जर्नी थी वो यहीं तक की थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जर्नी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, और हाँ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।